गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम रवि कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा लेक्चर ऑन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। तो इसके अंतर्गत आज हम एक लेक्चर डिलीवर करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चीज है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस क्या चीज है, क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इसका मीनिंग क्या है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उत्पाद की वह मात्रा जो देश के नॉन प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन और नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए फार्मर्स के द्वारा उपलब्ध होती है या कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है या कराए जाते हैं, तो इसका मीनिंग है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम देखते हैं कि फार्म पर जो उत्पादित खाद्यान्न एवं अन्य फसलों की संपूर्ण मात्रा जो है कृषकों द्वारा विक्रय नहीं की जाती। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे फार्म पर जितने भी अनाज होते हैं, खाद्यान्न फसल होते हैं या अन्य फसल होते हैं, उसकी संपूर्ण मात्रा जो है कृषकों द्वारा विक्रय जो है पुनः उसी टाइम जो है नहीं किया जाता। हम उसको कुछ मात्रा को अपने घर में अपने डेली यूजेस के लिए या पूरे साल भर उपयोग के लिए बना उसको सुरक्षित रखते हैं अपने खाद्यान्न भंडार को। तो प्रोड्यूसर